हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमंत है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। और ये सवाल है डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है और मैं चाहता हूँ आप इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। बाइनरी फिशन में पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स बॉडी डिवाइड होती है इंटू टू इक्वल पार्ट और वो क्लोन्स होते हैं, जबकि बर्डिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी कि पेरेंट्स जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और उसके ऑफस्प्रिंग, उसके जन्म लेने वाले ऑर्गेनिजम्स का साइज छोटा होता है। सेकंड पॉइंट, जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें कोई भी प्रोट्यूबरेंस देखने को नहीं मिलता है। प्रोट्यूबरेंस का मतलब है उसमें उभार या कोई जैसे पिंपल्स निकलते हैं, उस तरीके से कोई भी आउटग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। पर इन बर्डिंग आपको पता है बर्ड फॉर्मेशन होता है, प्रोटोबरेंस देखने को मिलती है। बाइनरी फ्यूजन में डिवीजन जो होता है वो इक्वल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पेरेंट बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है, दो इक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं और पेरेंट्स बॉडी खत्म हो जाती है। इस डिवीजन को हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, जहाँ क्रोमोसोम्स नंबर्स सेम रहते हैं। अगर पेरेंट के शरीर में 46 हैं तो उनके डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। दूसरी तरफ बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग में डिवीजन अनइक्वल होता है। अनइक्वल डिवीजन का मतलब है पेरेंट बॉडी आपको बड़ी दिखेगी और जो डॉटर सेल्स डेवलप हो रहा होगा वो आपको छोटा दिखेगा, तो इसे अनइक्वल डिवीजन कहते हैं। पर यह डिवीजन भी माइटोसिस डिवीजन ही होता है। बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट्स डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल्स में बदल जाता है। जैसे अमीबा आपने देखा होगा, सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है सी एनिमोन का, ये भी ऐसे ही करते हैं। ये बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है और इसके पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं और नई जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बडिंग में पेरेंट एग्जिस्ट करता है, पेरेंट जबकि अपने डॉटर सेल्स को पालता है, बड़ा करता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बाइनरी फ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनमें पहला एग्जांपल बैक्टीरिया, दूसरा अमीबा, तीसरा इप्लीना, पैरामीशियम, सी एनिमोन जो कि आपको डायग्राम में पिक्चर में दिखाया गया है। यहीं हम बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग ईस्ट में, साइकॉन में, हाइड्रा में और ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। अब हम एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ बडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं स्ट्रोब्लेशन। ये स्ट्रोब्लेशन देखने को मिलती है जेलीफिश के परिवार में, जेलीफिश में। और स्ट्रोब्लेशन एक्चुअली में होता क्या है, इट्स ए बडिंग, सिंपल बडिंग, जहाँ पे वो अपने बॉडी के रिपीटेड सीक्वेंसेस बनाते हैं, कह सकते हैं वो अपनी बॉडी के रिपीटेड कॉपीज बनाते हैं जो बर्ड की तरह उसकी बॉडीज डिटैच अलग होकर एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में, इंडिपेंडेंट जेलीफिश में बदल जाती हैं। स्ट्रोबिलेशन देखा जाता है साइफेस्टोमा लार्वा ऑफ जेलीफिश, जेलीफिश को हम ऑरिलिया भी बोलते हैं। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है टेपवॉर्म, टीनिया सोलियम। टेपवॉर्म को हम हिंदी में फीता कृमि भी बोलते हैं। तो हम जेलीफिश के काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले जेलीफिश में हमें एक प्लैनोला स्टेज देखने को मिलती है। ये प्लैनोला किसी भी सरफेस से अटैच हो जाता है और धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। ग्रो करते 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 उसमें टेंटिकल्स आते हैं और टेंटिकल्स आने के बाद उसमें बडिंग स्टार्ट हो जाती है। बडिंग जब वो बर्ड पेरेंट बॉडी से अलग होता है तो उसे हम साइफेस्टोमा लार्वा कहते हैं। यही साइफेस्टोमा लार्वा डेवलप हो जाता है इफायरा में और यही इफायरा कुछ समय बाद एक एडल्ट जेलीफिश में डेवलप हो जाता है।